ये भी बोले, अगर अपना घर होता है तो एक निश्चिंतता होती है। और वो भी बोले, मध्य प्रदेश की धरती पर कोई बिना छत के नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना, भगवान कसम सब टनाटन। रामू के सर पर छत है और श्यामू के सर पर भी। मंगलू का नंबर आने वाला है तो दंगलू भी कतार में। आहा, साहब चकाचक, बोले तो आवाज ही आवाज। लेकिन साहब घिसे घिसाए लोग कह गए, भगवान कभी कभी दूसरों की भी सुन लेना चाहिए। तो मोदी साहब, शिव बाबू, आपके लिए एक संदेश है, सुनकर भले ही आपका मूड और दावों की फड़फड़ाहट बिगड़ जाए, लेकिन प्रभु तंत्र की सड़ान मारता सच यही है। हमें जो है तो घर नहीं है रहने के लिए, मकान नहीं है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि मुझे आवास दिलवाने की कृपा करें। सुना आपने जी, यही है एक मजबूर की गुहार और बेहाल सरकारी तंत्र की असलियत। तो उमेश त्रिवेदी बोले कि मैं आवास दिला दूंगा, तो मैं बोला ठीक है, बोले कि 8,000 रुपये दो तो मैं दिला दूंगा। तो हमारे से 8,000 रुपये लिए और ना तो आज तक पैसा वापस किए, ना हमको मकान दिलाए। मामला मध्य प्रदेश के सतना जिले का है, हालांकि ये एक मिसाल भर है, सैकड़ों ऐसे मामले और भी होंगे जो सुनवाई की आस में आज भी रेंग रहे हैं। चलिए मसलाए आम करते हैं। पीड़ित का नाम है सुशील द्विवेदी। प्रधानमंत्री आवास योजना का सपना देख मारा, कोशिश की जो नाकाम रही। बारिश के मौसम ने जो कच्चा घर था ना, उसको भी ढहाना शुरू कर दिया। तभी अचानक सहायक सचिव ने गुरु मंत्र दे दिया, 8,000 दो, योजना का तत्काल लाभ मिलेगा। उमेश द्विवेदी जी 2 वर्ष पहले बोले कि आवास मैं दिलवा दूंगा, मैं बोला ठीक है, तो बोले कि 8,000 रुपये दो, मैं 8,000 रुपये दिया, और जो कि मुझे आज तक उमेश द्विवेदी जी ना तो आवास दिलवा पाए। मजबूरी थी तो क्या करता। सुशील ने माली हालत खराब होने के बावजूद जोड़ जुगाड़ करके आखिरकार 8,000 रुपये की रिश्वत दे ही दी। अक्सर होता है ना साहब, वही हुआ, सहायक सचिव एक गरीब का धन हजम कर गया। आवास भी ना मिला और कर्ज चढ़ा सो अलग। दफ्तर में शिकायत की, मिन्नतें की, लेकिन सुनवाई के नाम पर कभी आश्वासन तो कभी धौंसी मिलती रही। पीएम साहब, सीएम साहब, योजना तो ठीक, लेकिन अंदर की पोल भी तो देखिए। योजना से पहले सड़ते तंत्र का इलाज भी करिए प्रभु, वरना हजारों सुशील है ना, कर्ज में दबकर घूसखोरों का शिकार बनते रहेंगे। बाकी प्रभु सब मंगल ही मंगल है।